लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को डिवाइड कर रखा है दो वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के प्रिंसिपल के बारे में, क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया तो आप इसका प्रोसीजर भी आसानी से कर सकते हो। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा प्रोसीजर के बारे में। तो आइए बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में कि प्रिंसिपल क्या है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का। प्रिंसिपल है कि आर्सेनिक इन द आर्सीनियस स्टेट कैन बी रिड्यूस्ड टू आर्सीन गैस, यानी कि आर्सेनिक को हम आर्सीनियस स्टेट में रिड्यूस करा सकते हैं, किसमें, आर्सीन गैस में। और ये जो आर्सीन गैस बनती है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ। और मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पे यही आर्सीन गैस क्या करती है, देती है येल्लो स्टेन, यानी कि येल्लो कलर का एक दाग देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आर्सेनिक मौजूद है। ठीक, अब ये जो प्रिंसिपल है इसको हम रिएक्शंस के तौर पर समझते हैं कि रिएक्शंस के तौर पर ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में बात करें, किसी भी सॉल्यूशन में जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ होती है वो दो तरीके से रहती है। ठीक, किस तरीके से, या तो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी रहेगी As3 पॉजिटिव की फॉर्म में, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगी 3 पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन स्टेट में, या एग्जिस्ट करेगी As5 पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो सॉल्यूशन में मौजूद रहती हैं। ठीक है, हम जैसे ही सॉल्यूशन को एसिडिफाई करते हैं तो जो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ है वो क्या करती हैं, एसिड में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो S3 पॉजिटिव वाली जो इम्प्योरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी आर्सीनियस एसिड में, जिसका फॉर्मूला होता है H3AsO3। आसान है याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे H3, इसमें भी 3 आएगा और O के पास भी 3 लग जाएगा। ठीक, और जो As5 पॉजिटिव वाली होती है इम्प्योरिटी वो चेंज हो जाती है H3AsO4 में। अब ये दो तरह की इम्प्योरिटी होगी, एक तो आर्सेनिक एसिड और दूसरी आर्सीनियस एसिड। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो आर्सीनियस एसिड होता है, जो आर्सेनिक आर्सीनियस स्टेट होती है आर्सेनिक की, इसी को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, आर्सीन गैस में। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाली जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, ये वाली हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, बाकी ये वाली हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, जो हम ये वाली फॉर्म में AS5 पॉजिटिव वाली फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, AS3 पॉजिटिव वाली फॉर्म में। और वो काम होता कैसे है, वो काम होता है इसके थ्रू। ठीक है, बाय यूजिंग स्टेनस क्लोराइड प्लस में पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, H3AsO4। ठीक है, यानी कि आर्सेनिक एसिड पे हम रिएक्शन करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड का और पोटेशियम आयोडाइड का, और ये जितनी भी आर्सेनिक एसिड है ये चेंज हो जाता है किसमें, आर्सीनियस एसिड में। ठीक है, तो आप देख सकते हो H3AsO4 की रिएक्शन हुई स्टेनस क्लोराइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और ये चेंज हो गया किसमें, आर्सीनियस एसिड में। ठीक, तो जो ये वाली है हमने आर्सेनिक एसिड सबको कन्वर्ट कर लिया आर्सीनियस एसिड में, तो अब हमारे पास जो रह गया वो ये रह गया H3AsO3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर यूज़ करेंगे जिंक, हम इस पर यूज़ करेंगे जिंक और HCl का। तो हमने आगे यूज़ करा बाय यूजिंग जिंक एंड HCl, H3AsO3 पे यूज़ किया जिंक और HCl का, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आर्सीन गैस में। अब आर्सीन गैस का फॉर्मूला होता है AsH3। ठीक है, कन्वर्ट होगी आर्सीन गैस में, बाकी हमारा वाटर निकल जाएगा। अब जो आर्सीन गैस बनी, इस आर्सीन गैस की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ, जैसा कि हमने प्रिंसिपल में देखा था। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन होगी मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ इसी आर्सीन गैस की, इस आर्सीन गैस की, तो AsH3 इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर के साथ। मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HgCl2, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर है। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो होगा क्या, होगा ये कि जो क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ से दो H को निकाल लेंगे, यानी कि दो HCl हमारे निकल जाएंगे। ठीक, और जो मर्करी है, मर्करी के साथ AsH2 के दो मॉलिक्यूल इस तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, ये जो चीज़ बनेगी, ये जो चीज़ बनेगी यही येल्लो कलर का स्पॉट देती है मर्करी क्लोराइड पेपर पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मर्करिक आर्सेनाइड। ठीक है, यही येल्लो कलर का स्पॉट देती है। तो ये थी बात हमारी प्रिंसिपल के बारे में आर्सेनिक के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि ये जो टेस्ट परफॉर्म होगा किस तरीके से होगा।